अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रिफत परवीन, रिफत किचन विद गार्डन से। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम आपका मेरे चैनल पर। तो आज ये देखें, मैंने वीडियो इस वजह से नहीं अपलोड की, मेरा जो किचन है वो सारा बिखरा पड़ा है। किचन में बहुत ज्यादा सैम हो गई थी, मसलन बहुत ज्यादा पानी आ रहा था। ऊपर जो अपार्टमेंट में दूसरे लोग रह रहे हैं उनकी कोई लीकेज हो रही थी किचन में, तो सारा पानी नीचे आ रहा था। तो मेरे कितने दिनों से हमने इंश्योरेंस वालों को और कंपनी वालों को, गानों में हम रहते हैं उनको भी कहा कि आप हमें करवा के दें, आते हैं तस्वीरें लेके चले जाते हैं। तो फिर कल मेरे हस्बैंड ने खुद ही काम करना शुरू कर दिया, यही काम करते हैं तो खुद काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये देखे सारा कलर उन्होंने उतारा है और ये दीवारें गिली हुई थी, उन्होंने ईटर लगा के जिसका ही तो सारा सामान बिखरा पड़ा है। इसी वजह से फिर रात को मैं शूट भी नहीं कर सकी, वीडियो की शूटिंग नहीं कर सकी। तो ये देखे सारा किचन मेरा कितना खराब हुआ हुआ है, उन्होंने कलर ऊपर से उतार दिया सारा, कुरज कुरज के ग्राते किए। तो ये देखे मेरे किचन का सामान मैंने इधर उधर कुछ किधर रखा है, कुछ किधर रखा है। ये देखे कुछ ऐसे ही बेतरतीबा मैंने रख दिया कि जैसे जैसे ये कलर प्लीट होगा तो मैं सेटिंग कर लूंगी, उठा उठा के इधर से उधर मसाले सब कुछ। लोग मेरे चैनल पे ले हैं वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतने प्यार से मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। ये देखे मेरा बेटा चॉकलेट्स उठा के दरिया गया। आज कल क्रिसमस के डेज है ना, तो ये वाली चॉकलेट्स क्रिसमस के दिनों में आती हैं और ये बहुत ज्यादा खाता है, दूध भी पीना छोड़ दिया हर वक्त जी। तो ये देखे चूल्हा भी मेरा बंद पड़ा है और ये देखे हर तरफ जो है ना बिखरा पड़ा है सारा कुछ। तो एक दो दिन में ये किचन मेरा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन शाम को मैं कोशिश करूंगी किसी तरीके से मैं शूटिंग कर सकूँ किसी तरफ चूल्हा लगा। तो ये देखे ये चॉकलेटें बहुत अच्छी है, इनमें एक गिरी भी होती है बहुत अच्छी लगती है वो वाली मुझे। तो ये मेरा बेटा जो है ना सारा दिन यही रहता है, महंगी वाली चॉकलेटें खाता है। ये देखो यहीं पे रख के चला गया है। तो इसी तरह तो साथ ही हमारा जो बात है वहां भी ऐसे ही हो रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड वहां की भी कर रहे हैं सेटिंग। ये देखिए गैस बंद पड़ा है, सारा कुछ बंद पड़ा है। तो ये आस्ता आस्ता अब दो तीन दिन लगेंगे इसको सेट होने में। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, आप लोगों की मदद से ही मैं सारा कुछ कर पाऊंगी। ये देखिए सारा कुछ बिखरा पड़ा है। तो मैं बहुत से लोगों को सब्सक्राइब करती हूँ लेकिन वो आगे से मुझे रिटर्न नहीं करते। तो प्लीज़ जब कोई आपको सब्सक्राइब करता है तो आपको पता तो चल जाता है ना कि नया कमेंट आया है, तो न्यू आईडी से कमेंट आया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए किया करें। तो एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही एक चैन बनती है और मदद होती है एक दूसरे की। ये देखिए दीवारें, ये बात की दीवारें हैं। इसी के साथ अंदर कमरे में भी ऐसे हुआ पड़ा है। तो सारे घर की जो है ना हम कलर कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं इसी तरीके से। तो ये देखिए ऊपर मेरे हस्बैंड ने वो बंद किया है सिमट लगा के, लेकिन वो कहते हैं जब तक ऊपर वाले नहीं करेंगे हमारा नीचे वाला फिर भी कुछ दिनों में खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा कि चले कंपनी वालों को बुला के दिखाना, फिर दोबारा वो नहीं करके दे रहे। तो हमने कहा कि कुछ अर्से बाद हम जो है ना मकान चेंज कर लेंगे, यही इसका हाल है। तो जब हम मकान चेंज करते हैं तो तब भी उनको ये करके देना पड़ता है। तो इंश्योरेंस वाले ऐसे ही वैसे ले लेके ले रहे हैं लेकिन आए नहीं है वो देखने के लिए। एक दफ़ा आए थे देख के, तस्वीरें बना के ले गए हैं, उसके बाद अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और हर महीने इंश्योरेंस से अच्छे भले पैसे हमारे अकाउंटों से जा रहे हैं। ये देखे बहुत सारा सामान मैंने उठा के इधर भी रखा हुआ है कि उधर जगह नहीं थी, आटा सारा कुछ उठा के हमने कुछ इधर भी रख लिया है ताकि जो है ना यहाँ से देखे मेरा किचन खराब हुआ है। देख के दुख लगता है कि कब ये सेट होगा तो मैं अच्छी अच्छी रेसिपी बना के आपको दिखा सकूंगी। क्या करूँ, मजबूरी है फिर। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, तो हमें याद रखें अल्लाह ताला आपकी मदद करे, अल्लाह ताला अपने हबीब के वसीले से आपकी मदद करे, हम सब की मदद करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।